नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। नेपाल के निचले सदन ने संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी, नए नक्शे पर मुहर लगा दी, यानी काला पानी, लिपिया धुरा और लिपुलेख नेपाल अपना मानता है। अब संसद की मुहर लग गई, आगे की जो प्रक्रिया है, औपचारिकता है, वो पूरी होती रहेगी। दूसरी तरफ कल सीतामढ़ी में फायरिंग हुई, नेपाल की आर्म फोर्सेस जो है उसने फायरिंग की, जिसमें एक भारतीय की जान चली गई, दो लोग घायल हुए थे। अब सवाल ये है कि ना, नेपाल जो है इतना आक्रामक हो रहा है, ये बात समझ में आ चुकी है कि चीन के इशारे पर आक्रामक हो रहा है, इस पर अब कोई बहस की बात नहीं है। अदरवाइज सीतामढ़ी में जो घटना हुई और लगन राय जो कि नेपाल ने उनको अपने कब्जे में ले लिया था, 8 घंटे तक उसके पास रहे, बाद में स्थानीय प्रशासन का हस्तक्षेप से वो वापस आ गए, उन्होंने जो कहानी बताई है उस कहानी में तो कोई मतलब आप ताज्जुब करेंगे कि कोई दम ही नहीं है। नेपाल ने ऐसा क्यों किया? जब नेपाल और भारत में बेटी रोटी का रिश्ता है, आपस में रिश्तेदारी है, बॉर्डर को क्रॉस करके रोज़ नेपाली इधर आते हैं और भारतीय उधर जाते हैं, तो लगन राय का बेटा अपने ससुराल गया था, वहाँ जब पहुँचा तो देखा कि रिश्तेदार जुटे हुए हैं, तो इसने अपने फादर को बताया कि समधियाने में सब लोग आए हुए हैं, आप भी आकर के मिल लीजिए। वही गए थे, उसी दौरान ये भी बताया कि पुलिस ऐसे ऐसे तंग कर रही है, तो इन्होंने उसके टोका कि ऐसी कौन सी बात हो गई, बस वहीं से तो बात बिगड़ गई। पूछी या बोलो से नेपाल से लाया पकड़ करके कहो, हम कह दी नहीं सर, हमको जान भी मार देगा तभी नहीं कहेंगे, हमको इंडिया से पकड़ कर लाया है मार के। आसपास के लोग, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, आसपास लोग जमा थे, भीड़ जमा हो गई। अब नेपाल आर्म फोर्सेज कह रही है कि हम हथियार छीनने की कोशिश हो रही थी, फिर कह रहे हैं कि तस्करी की कोशिश हो रही थी, वो आपके उस हाथ में है, जो चाहे वो बहाना बना सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से गोली चलानी पड़े और इतनी बड़ी घटना हो। खैर, संसद ने मुहर लगा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या होगा। आज जो आर्मी चीफ है MM नरवणे, उन्होंने पहले बयान दिया था कि ऐसा नेपाल किसी और के इशारे पे कर रहा है, लेकिन उन्होंने आज जो बयान दिया उसमें थोड़ा सा दूसरा रुख उन्होंने अपनाया। उन्होंने कहा कि नेपाल से हमारे बहुत अच्छे और मजबूत संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आम आदमी के जहन में एक सवाल उठता है कि भारत इतना बड़ा देश, 135 करोड़ का देश और 3 करोड़ का देश नेपाल, इतना छोटा देश और भारत के ऊपर फायरिंग कर रहा है, भारत चुप है। आपने देखा होगा किसी नेता, विदेश मंत्रालय, किसी का बयान नहीं आया, स्थानीय प्रशासन के जिम्मे छोड़ दिया गया, जो एक प्रक्रिया होती है कि वहाँ स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट सरकार के थ्रू जो है होम मिनिस्ट्री की आती है, वही आई, SSB वहाँ पर निगरानी करती है, बॉर्डर पर तैनात है, वही रिपोर्ट आई, कुछ बोला नहीं गया। इसके बाद चंपावत में यानी उत्तराखंड में जो 90 किलोमीटर नेपाल से सीमा लग रही है, वहाँ पे सतर्कता बढ़ा दी गई है कि नेपाल यहाँ पे भी खुराफात कुछ कर सकता है, तो एक बात। दूसरी बात, क्या भारत क्या करेगा? भारत अभी फिलहाल कुछ नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति का ये नियम है कि जब आप चौतरफा घिरे हों और कोई छोटा देश जो है तंग कर रहा हो, तो आप भरसक जो है सॉफ्ट नेचर रखेंगे, भरसक ये कोशिश करेंगे कि इग्नोर किया जाए। एक भारतीय की जान चली गई है, तो जिस तरीके से आर्मी चीफ ने जवाब दिया है, उसे साफ लग रहा है कि भारत अभी इग्नोर कर रहा है नेपाल के उस पे। और एक और खास बात सुनिए, अभी पासिंग आउट परेड से बहुत सारे भारत के अकादमी से जो है आर्मी के अफसर निकले हैं, जो पास होकर के निकलते हैं, तो उसमें अपने तो जो अफसर हैं वो तो हैं ही हैं, 90 बाहर दूसरे दूसरे देशों के, तो भारत दूसरे देशों को के अफसरों को भी ट्रेनिंग देता है, उसमें नेपाल के भी अफसर हैं। मजे की बात देखिए, और जो गोरखा है उनका अलग रेजिमेंट है। तो भारत को ये भी देखना है कि कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि जो है बात और बिगड़े। लेकिन एक बात तय है, नेपाल जो कुछ भी कर रहा है, दो वजह है उसकी, एक तो चीन का उकसावा, और दूसरी जो उससे भी बड़ी बात है, वो तो है ही बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात है कि KP शर्मा ओली जो नेपाल के इस समय प्रधानमंत्री हैं, वो अंदरूनी मोर्चे पे बुरी तरह से विफल रहे हैं। कोरोना के बहुत कम केसेज आए हैं, 5,000 के आसपास आए हैं, और वहाँ पे आरोप लग रहा है कि 10 अरब, क्या हुआ, कहाँ गया वो पैसा, यानी कि भ्रष्टाचार में के आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा वो अपनी ही पार्टी में, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो प्रचंड है, उनसे उनके मतभेद चल रहे हैं, तो वो लड़ाई झगड़ा अलग है। सरकार अंदरूनी मोर्चे पे कई मामलों में विफल रही है,
कमजोर साबित हो रही है, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप ये सब भारत के साथ कर रहे हो। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही कि भारत के साथ ऐसे रिश्ते आपको महंगे पड़ेंगे। ऐसा तो रहेगा नहीं कि भारत और चीन का ये जो तनाव चल रहा है वो हमेशा रहेगा। स्थितियाँ सुधरेंगी, स्थितियाँ सुधरेंगी तो भारत ने आपकी नाकेबंदी कर दी थी तो आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा था। तो बड़ा देश होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते यदि भारत चुप है या बर्दाश्त कर रहा है तो उस बात को आप समझिए, नहीं तो आज नहीं कल नहीं परसों फिर आपको पछताना पड़ेगा। भारत अभी फिलहाल सॉफ्ट ही रहेगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।